हेलो, मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं बुढ़ापे का स्मृति भ्रंश, कोई डेमेंशिया बोलते हैं। अभी क्या हुआ है कि कुछ साल पहले, मतलब 100 साल पहले, लोग बहुत जल्दी जल्दी मरते थे। मतलब लाइफ स्पैन जो था वो बहुत कम था, लाइक 40-50 साल के अंदर ही लोग काफी सारे मर जाते थे। अभी हमारे ही देश में आपको दिखेगा कि काफी लोग 65-70, मतलब 65-70 के ऊपर भी काफी सारी मात्रा में लोग दिखते हैं पॉपुलेशन में, लोक संख्या में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारियां लगती जाती है। तो उम्र बढ़ती जाती है उसमें डायबिटीज, मतलब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, फिर दमे की बीमारी, उसके साथ साथ हृदय की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक है, जोड़ों की बीमारी, ऐसी बीमारियां होती है। वैसे ही दिमाग की बीमारी होती है। मतलब दिमाग में क्या होता है कि दिमाग की नसें जो है वो सुकड़ जाती है, या उनका काम करना जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। 60 के बाद में यदि वो, मतलब व्यक्ति, बाकी उसको कोई बीमारी नहीं है, मतलब ब्रेन की बाकी कोई भी शिकायत नहीं है, और तभी भी उसको ध्यान में रहता नहीं, भूल जाता है, तो ये देखना पड़ेगा कि उसको स्मृति भ्रंश, मतलब अल्जाइमर्स की बीमारी है क्या। डिमेंशिया, डिमेंशिया में अल्जाइमर नाम की बहुत बड़ी बीमारी, तो वो देखना पड़ेगा कि अल्जाइमर डिमेंशिया उसको है क्या। स्मृति भ्रंश में होता क्या है कि स्मृति भ्रंश में काफी सारी बीमारियां हैं, मतलब जैसा खून का दौरा कम हो जाना, भेजे का खून नहीं पहुंचना, तो उसमें उसको याद नहीं रहता और स्मृति भ्रंश हो जाता है। पर अक्सर जो पाया जाता है वो है अल्जाइमर्स की बीमारी, अल्जाइमर्स। अब इसके लक्षण क्या है हम देखते हैं। इसमें लक्षण ये है कि वो व्यक्ति को ये मालूम होता है कि आजकल मैं भूल रहा हूं, और वो छुपाने की कोशिश भी करता है। सारी सारी बातें है कि चश्मा कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, फिर कपड़े कहाँ रखे, जूते चप्पल कहाँ रखी हुई है, मतलब सारी चीजें वो भूल जाता है। कभी कभी उसको वो नहीं रहता ख्याल में कि शर्ट कभी उल्टा पहन लेता है या बनियान उल्टी पहन लेता है, बाथरूम का डायरेक्शन कहाँ है, दिशा कहाँ है बाथरूम की, तो और कहीं चले जाएगा, या लेटरिन की दिशा कहाँ है उसको समझता नहीं, और कहीं चले जाएगा। फिर उसको उसके खुद के जो वस्तुएं हैं वो उसने कहाँ रखी उसको याद रहता नहीं है। फिर उसने नहाया कि नहीं नहाया, स्नान किया कि नहीं किया उसको याद नहीं रहता, नाश्ता किया, खाना खाया, मतलब उसको अभी आजकल में जो हुआ, जैसा सुबह क्या हुआ या कल क्या हुआ, वो उसको व्यक्ति को याद नहीं रहता, भूल जाता है। उसको 1 साल पहले का, 5 साल पहले का वो याद रहता है। फिर लोगों को लगता है कि देखो तो पुरानी बातें याद रह रही है, अभी ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ये बीमारी में ऐसे होता है कि उसको रिसेंट, मतलब कल परसों वाली चीजें, या हफ्ते भर में जो चीज हुई है या महीने भर में जो चीज हुई है वो चीजें याद नहीं रहती। उसमें वो रास्ता भी भूल जाता है, रास्ता भटक जाता है, व्यक्ति घर में वापस नहीं आता, फिर उसको ढूंढ के लाना पड़ता है। फिर क्या होता है कि अभी बुढ़ापे में जैसे कान में सुनाई कम आता है, तो जब सुनाई कम आता है तो उसको लगता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं आ रहा, तो शायद वो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो याद नहीं रहता, लोग हंसते भी है याद नहीं रहा तो, या जो लोग आपस में बातें कर रहे उसको लगता है कि वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो गंभीर बीमारी उसमें रूप धारण कर सकती है, मतलब गंभीरता का रूप धारण हो सकता है इसमें। जब लोग उसको कोऑपरेट नहीं करते, सहायता नहीं करते उसके, घर के लोग ही हंसते रहते हैं, तो चिड़चिड़ा बन जाता है। फिर कभी गुस्सा करना, लोगों के ऊपर शक करना, चिड़चिड़ापन, फिर याद नहीं रहा तो फिर लोगों को दोष देना, और खुद वो बोलेगा नहीं कि नहीं मेरे को याद नहीं रहता, ऐसा फिर वो भी नहीं बोलेगा, जस्टिफाई करेगा, तो उसको घर में रखना भी लोगों को मुश्किल हो जाता है। इसका जो इलाज है अल्जाइमर्स का, वो ऐसा पक्का इलाज नहीं है कि भाई वो दवाई दिया तो वो अच्छा हो जाएगा। मतलब बाजार में मेमोरी की, स्मृति की, याददाश्त बढ़ाने की कोई भी दवाई, कोई भी पैथी में आज उपलब्ध नहीं है, ना एलोपैथी में है, ना आयुर्वेदिक में, ना होम्योपैथिक में, ना यूनानी में है। उसका काफी लोगों का ये रहता है कि शंखपुष्पी, जटामासी, है ना, फिर काफी अलग अलग आयुर्वेद में बोला जाता है कि वो दवाइयां हैं, और वो दवाइयां
लिया, दवाई लिया तो उसकी स्मृति अच्छी हो जाती है या बुद्धि अच्छी हो जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जो दवाई हम देते हैं अल्जाइमर डिजीज को, वो इसलिए देते हैं कि वो जो उसका सुकड़ना चालू हो जाता है या नर्व जो है, नस जो है ब्रेन की, तो वो जो उसका काम करना जो कम कम हो जाता है, तो कम से कम वो और खराब ना हो जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए, तो उसके लिए दवाई देते हैं। और वो दवाई से काफी हद तक फायदा भी उसको दिखाई देता है। इसमें वो व्यक्ति को तो बुढ़ा रहता है सपोर्ट करना, बाकी जो बीमारियां हैं उसका इलाज करना, फिर उसके ऊपर हंसने का नहीं, खाना टाइम पे खिलाने का, रात को जब सोता है तब अंधेरे में उसको सोने देने का नहीं, वहां कुछ तो भी लाइट होना, उजाला होना, क्योंकि ये लोगों को रात हो गई कि बीमारी ज्यादा होगी, उनको समझता नहीं रात में कि अभी कैसा करना, तो नाइट में ज्यादा होता है, रात में अंधेरा हो गया कि उनको बीमारी ज्यादा होती है, तो रात में ज्यादा सपोर्ट लगता है, फिर उनके हाथ पैर काम नहीं करते, बाहर घूमना फिरना कम हो जाता है, तो उनको टीवी देखने के लिए दुख करना, मतलब कि भाई टीवी देखे उसके सामने बैठे, ऐसा उसको सपोर्ट किया और घर के बच्चों ने बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है। हमारे पास में लोग आते हैं कि भाई ये व्यक्ति अभी बूढ़ा है, इसको अल्जाइमर्स हुआ है, या उसको मानसिक बीमारी हुई है, मेंटल इलनेस जैसा पागलपन है या शक की बीमारी है, तो हम उसको घर में रख सकते नहीं, आप रखो और आप उसका पालन पोषण करो। तो हमारे पास में वो भी व्यवस्था है कि जहां हम ये लोगों को काफी समय के लिए रख सकते हैं, मतलब महीना दो महीने जितना भी उनको रहने का है वहां उनको रहने की व्यवस्था करते हैं। क्यों होता गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति घर में उसको रखना तो बाकी के लोगों को बहुत तकलीफ का काम हो जाता है, बच्चे पढ़ाई के रहते हैं, 10 की एग्जाम है, 12 की एग्जाम है, घर में मेहमान आ रहे हैं या शादी है, उनको घर में रखना भी कभी कभी बहुत तकलीफ का होता है। फिर ऐसे लोग हमारे पास में आके उनको रखते हैं कि भाई 8 दिन तुम्हारे यहाँ इनको रखो या 15 दिन रखो संभालो, तो वो भी व्यवस्था हमने की है कि जैसे मानसिक बीमारी है पुरानी, तो वो भी कोई पेशेंट हो सकते हैं कि उनको घर में रखना कठिन है, घर में वो वायलेंट हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और फिर घर में मेहमान आ गए तो रखना मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को भी हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था है, उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनको नई नई कुछ स्किल्स सिखाते हैं, कौशल्य सिखाते हैं, और उनको फिर अच्छा इलाज करके उनको घर में वापस भेजते हैं। तो वैसे ही बूढ़े लोगों को हमने ये अल्जाइमर्स जैसे जिनको है उनको ये व्यवस्था हमने की हुई है कि ज्यादा दिन तक ज्यादा समय तक रह के अच्छे होके या कम से कम बीमारी खराब ना हो, मतलब और बीमार ना हो, वो कंडीशन में उनको लाके रखे ताकि उनका जीवन जो है वो सुसह्य हो जाए। स्मृति भ्रंश मतलब याददाश्त नहीं रहना, इसमें अल्जाइमर्स एक है, मतलब एक बीमारी, इसमें और सारी बीमारी है। दूसरी जो मेजर जो बीमारी इसमें है जिसमें स्मृति भ्रंश होता है वो ये है कि खून का दौरा कम हो जाना, मतलब ब्रेन के भेजे के कोई मस्तिष्क के कोई पार्ट को खून ना पहुंचना, और वो जो खून की जो रक्त वाहिनी है, खून जहां से खून बहता है, जिसमें से खून बहता है, वो ब्लॉक हो जाना, तो वो पार्ट डेड हो गया, मर गया वो पार्ट, और वो यदि पार्ट मर जाता है तो उसको याददाश्त निकल जाती है, ना वो बोल सकता है ना समझ सकता है, ऐसा भी हो जाता है, फिर वो कुछ बहकी बहकी बातें करता है। फिर हमारे तरफ लोग लाते हैं कि देखो बहकी बहकी बातें कर रहा है पागल हो, एक्चुअली वो पागल नहीं हुआ रहता, उसका खून का दौरा कम हुआ रहता दिमाग में, और उसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि पागल हो गया, एक्चुअली वो स्मृति भ्रंश है, उसको बोलते हैं मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक डिमेंशिया या मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया करके माना जाता है, उसका भी इलाज है, और इलाज करके वो व्यक्ति को नॉर्मल जीवन हम मतलब जिएगा, इस तरह से हम उसको उसको आशा दे सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो लाइक किया आपने तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे वेबसाइट है उसको लाइक करो और जानकारी वहां मिलेंगी, और हमारा फेसबुक पेज है वहां भी आपको जानकारी मिलेगी, उसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो थैंक यू वेरी मच।